नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप समझिए, अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ के अंदर जो सजा काट रहा है, या उनके जो गुर्गे जिस तरीके से नर्क भोग रहे हैं, आप समझिए ये ऐसे ही नहीं है। असल में जैसी करनी वैसी भरनी तो आपने सुना ही होगा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दरअसल है क्या, जिस वक्त पूरी दुनिया COVID-19 यानी कि कोरोना के दौर में बंद थी और किसी तरीके के कोई कामकाज नहीं हो रहे थे, उस वक्त भी दिल्ली का मालिक और दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के ताने बाने को बुनते हुए अपने और अपने लोगों के फायदे की बात सोच रहा था। इससे जनता जाए, दिल्ली की जनता जाए भाड़ में, चूल्हे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल का केवल और केवल यही टारगेट था कि उसने आपदा को अवसर में भुनाने की कोशिश की। आपदा में अवसर कैसे बुनाया गया, कोई जांच नहीं होगी, कोई तहकीकात नहीं होगी, और दनादन उसने ठेकेदारी के जो ठेके थे वो अपने लोगों को कह दिया, भैया फर्जी ठेके दो और फर्जी बिल बनवाओ और फर्जी काम दिखाओ और पैसे खा जाओ, आप भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा किया। इसी वजह से आप इसी की एक वानगी सुनिए कि कल इतनी सी पैदा हुई पार्टी बिना किसी फाइनेंस के, बिना किसी उसके, पूरे देश में आज चुनाव लड़ रही है, पूरे मीडिया को खरीद लिया है, पूरे मीडिया को में हवा चलाई जाती है, और एक स्टेट के अंदर, स्टेट एक तो टेरिटरी है, एक स्टेट पंजाब बाद में आया, जरासे से एक जगह पर मुख्यमंत्री बनने के बाद एक व्यक्ति इतने बड़े पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ता है, बड़ी हैरानी की बात है। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल ACB ने PWD के 3 डायरेक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया है, बड़े अधिकारी चीफ इंजीनियर लेवल के जो अब रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने COVID-19 के दौरान, यानी कि कोरोना काल के दौरान, जब पूरी दुनिया बंद थी, दिल्ली एकदम बंद थी, दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता तड़प तड़प कर मर रही थी, एक एक सांस के लिए तरस रही थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल इस तरीके का ये भ्रष्टाचार कर रहा था। ये हम नहीं कह रहे, ये ACB के जो जॉइंट CP हैं, संयुक्त आयुक्त पुलिस मधुर वर्मा, वो कह रहे। मधुर वर्मा ने बहुत कुछ बताया इस बारे में, हम आपको इसमें सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल ने किया था, जिसका वो दुख, जो उसका फल है, वो अब तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहते हुए भोग रहा है। और दूसरी बात, आप इसमें यह भी समझिए कि एक शीश महल खड़ा किया पाप की दौलत से, और उसके अंदर अरविंद केजरीवाल आज रह नहीं पा रहा है, वो पड़ा हुआ है तिहाड़ जेल के एक सड़े हुए सेल के अंदर, और वहां पर भी पड़े पड़े वो यही सब ताना बाना बोल रहा है। और जो जो आप समझिए, एक नहीं, अरविंद केजरीवाल नहीं, ये जो 3 तिकड़े थे, तीनों पापी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और चौथा संजय सिंह, ये चारों ही पापी मिलके इस कष्ट को भोग रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह अभी बार बार ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे वो बरी कर दिया गया हो, लेकिन संजय सिंह बरी नहीं हुआ, संजय सिंह जमानत पर है, केस उसके साथ, उसके ऊपर चल रहा है, और जिस दिन भी वो केस में, जिस दिन चीजें आएंगी, तो वो दोबारा धरा जाएगा और दोबारा तिहाड़ जेल जाएगा। अब हम इस बात पूरे वाक्य को सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। दरअसल COVID-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों में बगैर काम किए या अधूरे कंस्ट्रक्शन पर ही 2 कंपनियों को फर्जी बिलों के आधार पर पेमेंट कर दी गई। इससे सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए का चूना लगा। दिल्ली के जो खजाना है उसको 200 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया, 200 करोड़, आप समझिए। और दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने, यानी कि ACB ने, इस मामले में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD के रिटायर्ड ADG अनिल कुमार, आहूजा मैसर्स के एवं AV इंटरप्राइजेस के मालिक विनय कुमार और मैसर्स विवेक एसोसिएट्स के मालिक अशिक्षित बिरमानी को अरेस्ट कर लिया है। ACB ने अरेस्ट किया है, इन तीनों को दबोच लिया है कॉलर से। अब इनके मुंह पर, इनके गर्दन पर, इनकी छाती पर पैर रख के वो सब निकलवाया जाएगा,
जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल के कहने पर किया था। एसीबी के ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, बाबा साहेब अंबेडकर और जीबी पंत अस्पताल समेत 8 अस्पतालों में कागजों पर काम दिखाकर सरकार को करीब 200 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। केवल ये काम कागजों में दिखाया गया, काम नहीं हुआ इतने अस्पतालों में, आप समझिए। और दोनों कंपनियों ने जो जिनको दिया गया था, दोनों कंपनियों ने फर्जी बिल बनाए, जिन्हें पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हेल्थ ने पास कर दिया। देखिए पास भी हो गए। एसीबी ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी अफसरों और प्राइवेट फर्म्स पर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के तहत केस दर्ज कर लिया है। एसीबी को जांच में पता चला है कि कोविड-19 के दौरान दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अलग अलग फर्म्स या ठेकेदारों को कई काम दिए गए थे। कोविड-19 के दौरान, कोरोना के दौरान सब कुछ बंद था बॉस, सब कुछ बंद था, कोई काम नहीं हो रहा था, आप समझिए। पूरी दुनिया बंद थी, मजदूर दिल्ली से जा चुके थे, दिल्ली खाली हो चुकी थी, लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, और जो निकल रहे थे उनको अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पकड़कर अंदर डाल रही थी। उस वक्त इन्होंने आफत मचा दी, ऐसी आफत मचाई, 200 करोड़ रुपए के ठेके देकर खा गए पैसा फर्जी बिलों पर। इससे पता चला, देखिए कोविड-19 के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अलग अलग फर्म्स या ठेकेदारों को कई काम दिए गए। इससे पता चला कि ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी अफसरों की मिलीभगत से करोड़ों के गड़बड़ झाले को अंजाम दिया गया। एडीजी रिटायर हुए अनिल कुमार आहूजा उस वक्त तब चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने कोविड-19 के दौरान 19 आरोपी फर्म्स को 56 कामों की मंजूरी दी थी। 19 आरोपी फर्म, जिन पर पहले से ही आरोप चल रहे थे, 19 आरोपी फर्मों को 56 काम कार्यों की मंजूरी दी थी। इससे संबंधित दस्तावेज फाइल से गायब मिले। जांच में कई बिल फर्जी पाए गए। ये बड़ा गड़बड़ झाला, बड़ा घोटाला 200 करोड़ रुपए का। और आप सुनिए, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसने सीबीआई की मांग की है। इस बारे में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि आहूजा ने 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की थी। 200 करोड़ रुपए की इस गड़बड़ी में उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। फिर सुनिए, इस 200 करोड़ रुपए की गड़बड़ी में उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए। कोविड काल के दौरान आप सरकार के सभी कार्यों की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी सचदेवा ने की है। और अब सुनिए आम आदमी पार्टी इस पर क्या कहती है। आम आदमी पार्टी इस पूरे आरोप को मनगढ़ंत बता रही है। वहीं आपने कहा कि पिछले 2 सालों से केंद्र की सभी जांच एजेंसियां हर हफ्ते नई मनगढ़ंत कहानी बनाकर आरोप लगाती हैं, जिनसे हर बार करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात की जाती है, लेकिन अभी तक एक भी मामूली मामले में केंद्र की किसी भी एजेंसी द्वारा एक पैसे की बरामदगी हमारे किसी मंत्री या उनके किसी जानकार के घर से नहीं हुई है। मतलब आप समझिए, बार बार पैसे की बरामदगी की बात करते हैं, तो भैया राघव चड्ढा कौन से पैसे को ठिकाने लगा रहा था? आज भी जाकर विदेशों में पैसा ठिकाने लगा रहा है। सत्येंद्र जैन वही सत्येंद्र जैन है जो सेल कंपनियों के आधार पर, यहां नहीं कोलकाता के अंदर सेल कंपनियों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा था। इस मामले में सत्येंद्र जैन के 2 रिलेटिवों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ा जा चुका है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि उन्होंने दर्जनों सेल कंपनियां कोलकाता में रजिस्टर कर रखी थी, और उन कंपनियों में अरविंद केजरीवाल की जो ब्लैक मनी थी, जो काली कमाई थी, ठेकों से जो आ रही थी, उन सबको डालकर व्हाइट किया जाता।
और बाद में जो पैसा बच जाता था वो राघव चड्ढा उसे इन्वेस्ट करता था। ये बड़ा मामला है। आप सोचिए दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो चांडाल चौकड़ी की उसने किस तरीके से लूट मचाई हुई थी। यानी कि जब कोरोना काल में किसी तरीके की कोई बंदा देखने वाला नहीं था, कोई जांचने वाला नहीं था, कोई परखने वाला नहीं था, किसी की नजर नहीं थी, पूरी दिल्ली बंद थी, दिल्ली के अंदर लेबर ही नहीं थी, तो फिर ठेके कैसे दिए गए, क्यों दिए गए? 19 फर्मों को ठेके दे दिए। आप समझिए 56 कार्यों के लिए 19 फर्मों को, आरोपी फर्मों को ठेके दे दिए, 200 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए आपने कैसी चांडाल चौकड़ियों को जिता कर भेजा था। गलती आखिर आपसे हमसे हुई कहां, सोचिएगा जरूर। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।